हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीजी बी माई सेल्फ खुशबू। एंड मैं इस चैनल में DIYs एंड होम डेकोर रिलेटेड वीडियोज़ बनाती हूँ। बट अभी कुछ टाइम से मैं आपके साथ डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज़ शेयर करने वाली हूँ या शेयर कर रही हूँ ऑलरेडी, मुझे नहीं पता। अब ड्यू डेट में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट से चीज़ें ले लेते हैं। एंड जब ले ली है तो आपके साथ भी शेयर करती हूँ। काफ़ी रीजनेबल रेट वाली चीज़ें मैंने ली हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ किया है, जी बिल्कुल नहीं। मैंने क्वालिटी प्लस प्राइस को मद्देनज़र रखते हुए सारी शॉपिंग की है। मैंने कहीं पे भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की है। इंसान खुद पे एक बार को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है बट अपने बच्चे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। तो आज मैं जितने भी बेबी क्लोथ्स आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ, ये सारे ही मैंने फर्स्ट क्राई से लिए हैं। एक सिर्फ मैंने अमेजोन से लिया है, तो उन सब का लिंक आपके साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो जितने भी कपड़े मैंने लिए हैं वो मैक्सिमम या तो सेट ऑफ 2 हैं, सेट ऑफ 3 हैं या फिर सेट ऑफ 7 हैं, तो ऐसे ही मैंने लिए हैं। अब एक बार बेबी आ जाएगा तो शॉपिंग तो बनी ही रहेंगी, चीज़ें तो लेते ही रहेंगे, कपड़े तो खरीदते ही रहेंगे। तो मैंने सोचा कि इनिशियली कुछ कपड़े ले लिए जाएँ, तो बस उतना ही लिया है। तो मैंने आज जितने भी लिए हैं वो सारे ही रॉम्पर्स हैं। तो मेरी जो ड्यू डेट है वो एकदम गर्मी में होने वाली है, तो मैंने जो भी कपड़े लिए हैं वो समर के अकॉर्डिंग लिए हैं। एक दो मैंने लिए हैं क्योंकि ऑब्वियसली हम एसी वगैरह तो चलाएंगे ही, तो इसलिए मैंने उस हिसाब से भी एक दो सेट रखा है एंड आगे भी परचेस करते ही रहेंगे। तो फिलहाल जो भी है वो ऐसे समर वाले ही हैं, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज थोड़ा अलग सा फील हो रहा है कि मैं आपके साथ ये क्या शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ DIYs, पेंट्स, जैसो, वार्निश यही शेयर करती हूँ। तो जब मैं आपके साथ DIYs एंड होम डेकोर शेयर करती हूँ तो ये भी मेरे लाइफ का एक पार्ट होने वाला है, तो ये मैं आपके साथ कैसे शेयर ना करूँ। फ़ैन बंद करके बैठी हूँ मैं क्योंकि फ़ैन की आवाज़ से आपको इरिटेट होगा, आप डिस्टर्ब होंगे। सोचो इस हालत में मैं इसे गर्मी में यहाँ पे बैठी हूँ, तो थोड़ा आप कंसिडर करिए एंड मेरे वीडियोस को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। तो जैसा कि मैंने बोला कि सारे रॉम्पर्स ही मैंने यहाँ पे ऑर्डर किए हैं, तो जितने भी आए वो सारे रॉम्पर्स हैं एंड बहुत ही प्यारे हैं। मैंने ऐसे कोई जेंडर सोच के नहीं किया, बस रॉम्पर्स हैं तो न्यूली बॉर्न में तो सारे ही अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने काफ़ी मिक्स लिया है, तो वही मैं आपके साथ शेयर करी। तो सबसे पहले है ये एक बहुत ही प्यारा सा रॉम्पर जिसमें टाइगर बना हुआ है। देखिए कितना ही क्यूट सा एक टाइगर बना हुआ, बच्चों के कपड़े कितने क्यूट होते हैं ना। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर बटन दिया हुआ है, आप इसको बच्चे को पहनाने के बाद, नैपी पहनाने के बाद इस तरीके से आपको इसको यहाँ से ओपन करना है, डायपर पहनाना है एंड इसको वापस से आपको लॉक कर देना है। यहाँ पर शोल्डर पे भी इस तरीके से स्नैप बटन दिया हुआ है, सो दैट कि आप इजीली बच्चे को इसे पहना सकें। तो सबसे पहला तो ये है, बहुत ही प्यारा है ये एंड आई थिंक ये सेट ऑफ 3 है। अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कि कौन सा किसके साथ का सेट है, आई थिंक ये 3 का सेट है जिसमें मैं आपको दिखाती हूँ। एक ही कुछ इस तरीके से है, स्ट्राइप्स हैं, ये तो बिल्कुल ही लग रहा है कि बॉय के लिए है, बेबी बॉय के लिए है। बट जैसा कि मैंने बोला कि अभी तो जेंडर खुद को पता नहीं है, तो मैंने ले लिया क्योंकि मुझे तो बहुत प्यारा लगा। अब लड़का हो चाहे लड़की हो, जो भी होगा अच्छा ही लगेगा, सारे ही अच्छे लगते हैं। तो सेकंड है ये एंड थर्ड है ये, एक कलर्स ऐसे मैच कर रहे हैं ना, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि शायद यही सेट ऑफ 3 है। सांस फूल जा रही है बोलते बोलते, मतलब कंटिन्यूसली अगर मैं 2 मिनट बोलूँ ना तो ऐसे ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की सांस नीचे हो जा रही है। और प्यास तो इतनी लग रही है, गर्मी भी लग रही है, क्या करूँ, कुछ कर नहीं सकती। तो ये हो गया सेट ऑफ 3, तो ये हो गया पहला। अब अगेन सेट ऑफ 3 ही है जो कि बहुत ही प्यारा है, वो है ये येल्लो कलर का एक। यहाँ पे इसमें लिखा है बेस्ट फ्रेंड। फैब्रिक वगैरह बहुत अच्छी है, निटेड फैब्रिक होता है, कॉटन होता है एंड कलर्स वगैरह भी काफ़ी क्यूट से हैं एंड इसमें भी इस तरीके से अलजेब्रा वगैरह बना हुआ है, अलजेब्रा नहीं सॉरी जेब्रा, इसलिए कहते हैं घर वाले ठीक से पढ़ लो, पढ़ाई नहीं की। जेब्रा अलजेब्रा मैं खुल के हंस दूँ तो आप डर जाएंगे, इसलिए मैं ऐसे रोक रही हूँ खुद को हंसने से। मजाक बहुत हो गया, अब चलिए वापस से वीडियो पे आते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि ये भी सेट ऑफ 3 है, एक ये येलो कलर,
उसके बाद ये एक प्रिंटेड क्यूट सा है ना, एंड थर्ड वन इज दिस वन, इस तरीके से लाइनिंग वाली है। तो ये भी हो गया सेट ऑफ थ्री। नेक्स्ट है ये एक प्यारा सा रॉम्पर, बट इसमें मुझे एक चीज़ जो नहीं अच्छी लगी वो है ये कॉलर, क्योंकि ये काफ़ी बॉयश लग रहा है एंड मेरा मन है कि मुझे एक बेबी गर्ल हो, तो देखते हैं क्या होती है या होता है जो भी है। तो मुझे ये कॉलर उतना पसंद नहीं आ रहा, बट अब क्योंकि ऑर्डर किया है तो रिटर्न करने का कोई मतलब नहीं बनता है, पहना ही दूंगी कैसे भी करके घुसा के। तो ये मैंने फुल वाला लिया है एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि इफ़ इन केस आपको डायपर वगैरह चेंज करना हो ना, तो आप यहाँ पे नीचे से ही इसे ओपन करके इस तरीके से पहना सकते हैं। लाइक पूरा आपको इसे खोलने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ नीचे से आप इस तरीके से ओपन करके डायपर चेंज कर सकते हैं। वाइट कलर है, ऐसे क्यूट क्यूट एनिमल्स बने हुए हैं, जंगल थीम है, प्यारा है, ये भी क्यूट है, बट वही कि जैसा कि मैंने बोला कि ये कॉलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, बट अब क्योंकि आ गया था तो रिटर्न करने का कोई मतलब नहीं था तो मैं रिटर्न नहीं कर रही हूँ। ब्रांड है इसका बेबी हग। तो अभी तक जितने भी मैंने शेयर किए हैं वो सारे बेबी हग के हैं, काफ़ी अच्छी है, सॉफ्ट फैब्रिक है, तो ऐसा नहीं है कि बच्चे को कुछ इससे प्रॉब्लम होगी। बट हाँ, सारे कपड़ों को मुझे वॉश करना है, मैं इनको वॉश करूँगी, डेटॉल में भी सोक करूँगी, उसके बाद वॉश करके इसे अच्छे से पूरे दिन धूप में हमें ड्राई करना है, उसके बाद ही ये उसके लिए रेडी होने वाला है। तो अभी क्योंकि वॉश नहीं किया है थोड़ा अच्छा दिख रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि उसके पहले कि मैं वॉश करूँ आपके साथ इसका एक वीडियो शेयर कर देती हूँ। नेक्स्ट है ये एक बहुत ही प्यारा सा, इसके ये जो प्रिंट्स है ये मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है, एनिमल नहीं फ्रूट्स। तो इसके जो ये प्रिंट्स है ये मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, लाइक इसमें फ्रूट्स बने हुए हैं बहुत ही क्यूट क्यूट से। मुझे तो आज भी कोई ऐसे कपड़े दे दे तो मैं पहन लूँगी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि अरे यार ये बहुत किडिश लग रहा है। तो इसका भी ब्रांड है बेबी हग एंड इसमें आगे आपको जिप दी गई है एंड बच्चे को चुभे ना उसके लिए देखिए कितनी अच्छी चीज़ है कि ये जो जिप है ये बच्चे को चुभे ना इसके लिए एक एक्स्ट्रा यहाँ पे लेयरिंग की गई है फैब्रिक की, ये देखिए है ना, ताकि बच्चे को ये जिप इरिटेट ना करे, क्योंकि बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनकी स्किन काफ़ी सॉफ्ट होती है, तो छोटी सी चीज़ भी उनको ना रिएक्ट कर जाती है या उससे उनको प्रॉब्लम होती है। तो जितने भी मैंने लिए हैं न्यूबॉर्न है, 0 to 3 months वाले हैं। तो नेक्स्ट है ये एक बहुत ही प्यारा सा, अब आप कहेंगे तुम तो सारे को ही प्यारा कह रही हो, ऑब्वियसली बच्चों के कपड़े प्यारे ही होते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि अरे यार ये तो गंदा है, ये अच्छा नहीं लग रहा, सारे ही अच्छे होते हैं, बच्चे भी प्यारे होते हैं, उनकी चीज़ें भी बहुत क्यूट होती हैं, प्यारी होती हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही प्यारा सा एलिफेंट बना हुआ है जो कि मुझे बहुत ही क्यूट लग रहा था, कलर भी काफ़ी सोबर है एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है, फैब्रिक भी काफ़ी सॉफ्ट है एंड यहाँ पे इसमें स्नैप बटन दिया गया है, जैसे उसमें जिप था पिछले वाले में, इसमें यहाँ पे स्नैप बटन दिया गया है कम्प्लीटली कि आप इसे ईजिली बच्चे को पहना सकें। उसके बाद अब जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये सेट ऑफ 7 है, लाइक इसमें संडे मंडे ट्यूजडे वेंसडे पूरा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पे लिखा है सनी सैटरडे, स्लीपी संडे, वेंसडे, ट्यूजडे ट्रीट्स, मंडे मैजिक, फन फ्राइडे। फन फ्राइडे पढ़ के मुझे अपने ऑफिस टाइम याद आ गया, हम लोग बहुत मस्ती किया करते थे फ्राइडे को। उसके बाद लास्ट है टेस्टी थर्सडे। तो सारे कलर्स बहुत क्यूट हैं, फैब्रिक बहुत अच्छा है एंड इसका ब्रांड है बेबी ओए एंड ये शायद से वही 0 month का ही है, न्यूबॉर्न का ही है। इसमें भी यहाँ शोल्डर पे इस तरीके से स्नैप बटन दिया गया है सो दैट कि आप इजीली बच्चे को पहना सकें, नीचे की तरफ भी स्नैप बटन दिया गया है कि आप डायपर को चेंज कर सकें। तो ये सेट ऑफ 7 है, मुझे अच्छे लगे, काफ़ी रीजनेबल भी लगे मुझे, तो इसलिए मैंने इनको ले लिया है। अब लास्ट मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ वो मैंने लिया है अमेज़ॉन से एंड मैंने बोला है घर में सबको कि सबसे पहले इसको ही पहनाना, इसको भी वॉश करना है, सारे कपड़े एक साथ ही वॉश कर दूँगी मैं एंड ये कम्प्लीटली वाइट है, जस्ट अराइव्ड वाला मैंने लिया, मुझे ये बहुत ही प्यारा लगा, इसका भी फैब्रिक बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही प्यारा है, इसमें ऐसे बटन्स वगैरह नहीं है बट काफ़ी ब्रॉड है तो आप इजीली इसे पहना सकते हैं। कुछ अलग सा इसका मैकेनिज्म है कि ऐसा नहीं है कि ब्रॉड है तो नेक बहुत बड़ा हो जाएगा या कुछ ऐसा है,
नेक छोटा है बट यहाँ पे कुछ इस तरीके से ना फ्लैप बने हुए हैं, तो आप इजीली इसे पहना सकते हैं बच्चे को। नीचे अगेन इसमें स्नैप बटन्स दिए हुए हैं कि आप डायपर इजीली चेंज कर सकें, तो मैंने बोला है सबसे पहले इसे ही पहनाना क्योंकि जस्ट अराइव वाला फिर बाद में कोई मतलब नहीं बनता है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इतने सारे कपड़े लिए हैं तो मैंने यहाँ पे एक कैप और मिटन का सेट भी लिया है जो कि सेट ऑफ 3 है। ये देखिए क्यूट से ये मिटन्स हैं, है ना, एंड इसी का सेट है ये कैप। इसी तरीके से ये सेट ऑफ 3 है, लाइक ये 2 मिटन्स हैं एंड एक ये कैप है, क्योंकि मैं तो सारा दिन इसी में ही रहने वाली हूँ। कोशिश तो मेरी यही है क्योंकि मैं गर्मी में मर जाऊँगी, तो सोचा है कि एक नॉर्मल टेम्परेचर सेट करके उसमें हम रहेंगे, तो बच्चे को तो वैसे भी ज़्यादा ठंड लगेगी, तो इसके लिए मैंने ये सब भी ले लिया है। समर में हुआ तो भी पहना के रखूँगी, मरूँगी थोड़ी ना। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरा ये एक क्यूट सा शॉपिंग हॉल आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड इफ़ इन केस आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, एंड इफ़ इन केस आपने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है काफ़ी टाइम से तो कभी कभी मेरे वीडियोज़ को देख भी लिया करिए, क्योंकि सिर्फ सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता। अगर आप मेरे वीडियोज़ को नहीं देखेंगे तो मेरे चैनल बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा एंड फिर एक डिमोटिवेशन आ जाता है, काम करने का बहुत ज़्यादा मन नहीं करता है। तो इस चीज़ को मोटिवेटेड रखने के लिए थोड़े से मेरे वीडियोस को देख लिया करिए। तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।